बच्चों को पाप क्यों नहीं लगता? जाने एक कथा के माध्यम से दोस्तों, बच्चों को पाप क्यों नहीं लगता, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जिसे हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुने, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, एक बार की बात है, माडव्य मुनि ने यमराज को दासी पुत्र बनने का श्राप दिया, और तभी से यह नियम भी लागू किया गया कि बच्चों को कोई भी पाप नहीं लगेगा। इस कथा के अनुसार 14 साल से कम उम्र के बच्चों को पाप नहीं लगता। शास्त्रों में इसे 14 साल बताया गया है और कहीं कहीं 5 साल भी बताया गया है। दोस्तों, बच्चों को पाप क्यों नहीं लगता, इसके पीछे एक पौराणिक कथा मौजूद है। एक बार की बात है, मांडव्य मुनि अपनी कुटिया में तपस्या कर रहे थे। मांडव्य मुनि अपनी तपस्या में इतने लीन थे कि उनके आसपास क्या हो रहा है उन्हें पता ही नहीं था। एक दिन क्या हुआ कि कुछ चोर राजा के यहाँ से कुछ चीजें चुरा कर ले गए। चोरी करने के बाद वह चोर राजा को दिख गए और राजा के सैनिक उन चोरों का पीछा करने लगे। अपनी जान बचाने के लिए वो चोर मांडव्य मुनि की कुटिया में जाकर छुप गए। चोरों ने चोरी का सारा सामान मांडव्य मुनि की कुटिया में छिपा दिया जब वो तपस्या कर रहे थे। तपस्या में लीन मांडव्य मुनि को कुछ भी पता नहीं चल पाया। जब राजा के सैनिकों को पता चला कि चोर मांडव्य मुनि की कुटिया में हैं, तो वे वहां पहुंच गए और चोरों को गिरफ्तार कर लिया। सारा चोरी का सामान कुटिया में बरामद किया गया। राजा के सैनिकों को लगा कि मांडव्य मुनि ने जानबूझकर चोरों को अपने आश्रम में छिपाया था। अब गलत का साथ देने वाला भी गलत ही होता है, और इसी नियम को ध्यान में रखकर राजा के सैनिकों ने मांडव्य मुनि को भी गिरफ्तार कर लिया। जब मांडव्य मुनि और चोरों को राजा के सामने न्याय के लिए उपस्थित किया गया, तो राजा ने सबको सूली पर चढ़ा देने की सजा सुनाई। राजा का आदेश पाकर सैनिकों ने ऐसा ही किया। मांडव्य मुनि ने राजा से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानते थे कि मनुष्य को जो भी दुख मिलते हैं, वह उसके अपने पापों के कारण ही मिलते हैं। जब चोरों को सूली पर चढ़ाया गया, तो वे सब तुरंत ही मर गए। लेकिन मांडव्य मुनि तो तपस्वी थे, इसलिए वे जिंदा बच गए। जब राजा के सैनिकों ने देखा कि मांडव्य मुनि सूली पर चढ़ाने के बाद भी नहीं मरे, तो उन्होंने राजा को यह वृतांत बताया। राजा को लगा कि उससे बड़ी भारी भूल हो गई है और उसने निर्दोष को सजा सुना दी है। राजा यह सोचकर डर गया कि ऋषि उसे अब कोई श्राप जरूर देंगे और वह अपना राजपाट खो देगा। राजा भागता हुआ मांडव्य मुनि के पास गया और उनसे क्षमा मांगने लगा। मांडव्य मुनि ने राजा को तुरंत ही क्षमा कर दिया, क्योंकि वह बहुत बड़े ज्ञानी थे और जानते थे कि राजा की इसमें कोई गलती नहीं थी, वह उनके पाप ही थे जिनकी वजह से यह सब हुआ। राजा ने सैनिकों से मांडव्य मुनि में घुसा हुआ सूल निकाल देने को कहा, लेकिन राजा के सैनिक सूल को नहीं निकाल पाए। मांडव्य मुनि को बहुत दुख हुआ और आधा शूल उनके अंदर ही फंसा हुआ रह गया। मांडव्य मुनि ने सोचा कि क्यों न यमराज से पूछा जाए कि आखिर उन्हें किस पाप की सजा दी गई थी। ऐसा सोचकर वह यमराज जी के पास पहुँचे। मांडव्य मुनि और यमराज बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे, इसलिए यमराज ने मांडव्य मुनि का स्वागत किया। स्वागत सत्कार के बाद दोनों में बहुत सारी बातचीत होती रही। इसी बीच मांडव्य मुनि ने यमराज से पूछ लिया कि उन्हें किस पाप के कारण सूली पर चढ़ाया गया था। यमराज जी ने मांडव्य मुनि से कहा कि जब वो छोटे थे, तो एक बार उन्होंने एक कीड़े को लकड़ी से छेद कर मार दिया था। इसी पाप के फलस्वरूप उन्हें सूली पर चढ़ाया गया। इतना सुनकर मांडव्य मुनि आग बबूला हो गए और यमराज के द्वारा किए गए इस निर्णय को उन्होंने गलत ठहराया। मांडव्य मुनि ने कहा कि बचपन में सही और पहचान किसी को नहीं होती, इसलिए बचपन में किया गया पाप इतनी बड़ी सजा के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता।
मांडव्य मुनि ने बताया कि बच्चों को पाप क्यों नहीं लगता। इस पर मांडव्य मुनि का कहना है कि क्योंकि बच्चों को सही एर गलत की समझ नहीं होती, इसलिए बच्चों को पाप नहीं लगता। मांडव्य मुनि ने कहा कि यमराज के निर्णय में चूक हुई है, इसलिए उन्हें आगे से किसी के साथ न्याय करने का अधिकार नहीं। मांडव्य मुनि ने श्राप दिया कि यमराज को एक दासी के पुत्र के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। यमराज ने महाभारत काल में महात्मा विदुर के रूप में जन्म लिया, जो भगवान कृष्ण के महान भक्त थे। मांडव्य मुनि ने तभी से यह नियम लागू किया कि 14 साल से कम उम्र में किए गए पाप की सजा किसी भी व्यक्ति को नहीं मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। इस कथा के माध्यम से आप जान गए होंगे कि बच्चों को पाप क्यों नहीं लगता। दोस्तों, हमारी चैनल पर ऐसी ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक जानकारी दी जाती है। हमारी अगली वीडियो कब अपलोड होगी इसकी जानकारी आपको मिल सके, इसलिए हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाकर रखे हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां जाके आप ज्वाइन हो सकते हो। धन्यवाद।